शिवा भैया, क्या यही मेरा घर है? आ चंदर, मुझे तो यकीन भी नहीं आता कि सेठ सेठानी मेरे माँ बाप हैं। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ? आओ शिवा आओ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मैंने अपने दोस्त बलवंत को फांसी के फंदे से बचा लिया है। बलवंत ने मुझे बताया कि तुम उसके बेटे हो, जान के बहुत अच्छा लगा। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे बेटे को मैं तुम तक पहुंचा दूंगा। अब तुम चंदर को लाए उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए। वो माँ बाप इस वक्त बलवंत के कब्जे में है, फैक्ट्री में। धंधे की मजबूरी है। आज इसे इसके माँ बाप से मिलने से तू तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अगर तूने जरा सी भी चालाकी दिखाई तो मेरे एक इशारे पर तेरी बेटी की खोपड़ियां उड़ जाएगी। देख उधर। बॉस, लगता है हीरा अंकल शिवा को लेकर आ गए। गुड। अरे लगता कोई और आ गया, दरवाजा तोड़ दिया। गुड, नॉट गुड। शिवा, शिवा ये क्या चक्कर है? सुना है चंदर मेरा अपना? हाँ सेठ जी, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, पहले मैं आप लोगों को। चाचा, मुझे बचाओ चाचा। बहुत हो गया तुम्हारा खेल तमाशा शिवा, अब एक भी गलत कदम उठाया तो मैं इन सबके चीथड़े उड़ा दूंगा। मैंने कहा था ना कि आज तक कोई ऐसी रस्सी ही नहीं बनी जो बलवंत की गर्दन में फिट होकर फांसी का फंदा बन सके। तू मेरी मौत का जश्न मनाने वाला था ना, जश्न तो अब मैं मनाऊंगा तेरी मौत का। और आज उस कहानी को भी खत्म कर देंगे जो बरसों पहले हमने शुरू की थी। ये लो सेठ जी, मिल लो अपने असली बेटे से। जाओ जाओ बेटा, अपने माँ बाप के गले मिलकर दो आंसू बहा लो। जाओ चंदर। आ बेटे, आ अपनी माँ के गले लग जा। पिताजी। चंदर, रुक जाओ।
कौन भाभी? तेरे भैया का कातिल। ये क्या कह रही हो भाभी? ये तो चंदर है। मैं ठीक कह रही हूँ जूही, मेरी आंखें ये मनुष्य चेहरा कभी नहीं भूल सकती। ऐसा मत कहो बहन। हमारा बेटा कातिल नहीं हो सकता, जरूर जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तो आप खुद इससे पूछिए, क्या ये मेरे पति का कातिल नहीं है? क्या ये उस दिन मेरे घर नहीं आया था? ये सच है कि उस दिन मैं आपके घर आया था, ये भी सच है कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी, लेकिन ये सच नहीं है कि सत्यप्रकाश भैया का कत्ल मैंने किया। हमारी खुशियों में आग लगाने वाला अपराधी तू ही है। छोड़ दीजिए मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए मुझे, मैं इस कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेजू छोड़ दो इसे भैया, यहाँ तो एक कहानी में दूसरी कहानी मिल गई। तेजू इसे पिस्तौल दे दो, अभी अपना बदला खुद ले लेगी। आपका अपराधी चंदर नहीं है। तुम ये कैसे कह सकते हो? इसलिए कि वो खून चंदर ने नहीं, मैंने किया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। फरिश्तों के हाथों से ऐसा घिनौना जुर्म नहीं हो सकता। आप जिसे फरिश्ता समझती वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। आपने आज तक मेरा असली रूप नहीं देखा। मैंने इस सत्यप्रकाश जैसे ईमानदार इंसान को मौत के घाट उतारा है। ये नहीं हो सकता, ये हरगिज नहीं हो सकता। आज तक मुझ में सच कहने की हिम्मत नहीं थी, और आज तुम में सच सुनने की हिम्मत नहीं है। सच तो यही है भाभी कि मैंने तुम्हारे पति को मारा है, इन हाथों से भाभी। क्यों क्यों मारा उन्हें? आखिर तुम्हारी क्या दुश्मनी थी उनसे? दुश्मनी? मैं तो उन्हें जानता तक नहीं था। फिर क्यों जार दिया तुमने मेरा सहार? चंद रुपयों के खातिर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन लोगों की मैं जान ले लेता हूं उनके घर वालों पर क्या बीतती है। लेकिन पहली बार तब पता चला जब मुझे बाबा को मारने की कीमत दी गई। बस वहीं आकर मेरे जुर्मों की गाड़ी इंसानियत की चट्टान से टकरा गई, और उसके बाद मेरी जिंदगी में दो दुश्मन रह गए, एक चाकू और दूसरे वो लोग जो गरीबों के हाथों में चंद नोटों के टुकड़े रखकर गरीबों का ही खून करवाते हैं। और वो लोग ये हीरा और मेरा अपना बाप बलवंत। और जब तक इन जैसे लोग जिंदा हैं, मुझ जैसे शिवा पैदा होते रहेंगे भाभी। इतना क्या सोच रही हो? उठाओ पिस्तौल और मिटा दो इसे जिसने तुम्हारी मांग के सिंदूर को मिटाया है। चला बेटे, गोली चला, रुक क्यों गया? मैं बताता हूं बेटे के गोली कैसे चलाई जाती है। बलवंत अंकल, इससे तो उसके बदन में सिर्फ 6 सुराख होंगे, और इससे 636। ये लीजिए और भून डालिए साले को। गुड आइडिया। मी मायसेल्फ रैम्बो फ्रॉम USA। नहीं चलेगी बल्लू। ससुर जी, अरे क्या कर रहे हो बेटा? वो क्या है कि पिस्तौल तो मिल गई है, इसे चलाते कैसे? अरे पिस्तौल को तो सीधा कर लो ऐसे। अब चलाओ बेटा ऐसे। ये शुभ काम आप ही कीजिए। बड़े शौक से।
ये तो खाली है लेकिन ये तो भरा हुआ है या बलवा बलवा बलवा